अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स सॉरी, अपनी चाची जी की बात करते हैं। तो मैं दो दिन से बहुत बोल रही थी दीन के लिए और हमारे वलियों के लिए बहुत बोल रही थी, तो यार मुझे बुरा लग रहा था तो मैं बोल रही थी। अब मेरी वीडियो कोई देखे या ना देखे, ये वीडियो मेरी उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, ये हुई कि मुझे चंद कमेंट ही आए, ठीक है, पर वो सारे कमेंट ना सभी ने बहुत अच्छे करे। तो उन लोगों का दिल से सच में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी बात एटलीस्ट समझ तो आ गई कि मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि भले बहुत कम, मतलब 20-22 शायद कमेंट होंगे और एक वीडियो पे शायद 15-16-18 ऐसे कुछ कमेंट होंगे, पर मुझे ये अच्छा लगा कि चलो जी, शुक्र है अल्लाह का कि मुझे एक भी, यकीन माने, मुझे हिंदू धर्म से भी मैसेज आए, मुझे मुस्लिम मज़हब से भी मैसेज आए, पर सारे मैसेज ना बहुत अच्छे अच्छे सबने बोले ना, बल्कि और मेरी आगे से ना रहनुमाई हुई उसमें। और एक सिस्टर जो टेली रिएक्शन वर्ल्ड के नाम से ना, उन्होंने कमेंट जो किए ना, उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह और ज़्यादा मेरी नॉलेज में इजाफा किया, मेरी ही नॉलेज में उन्होंने इजाफा किया, ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो और ये वीडियो बना जो मैंने परसों मज़ार के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो के लिए भी ना मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके बोला कि यार ये ऐसा ऐसा वहाँ साबिर पिया के मज़ार पर गई और ये वहाँ जाके ऐसा बोला, तो मेरी उस फ्रेंड ने भी जो है ना मुझे वो पूरा किस्सा जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, वो फिर उसने मुझे बताया। मैंने बोली हाँ, मेरे को भी मेरे पापा ने बचपन में ऐसा, जैसे बैठते थे ना सब, तो ऐसे कभी पीरवलियों की बातें निकल आती थी तो पापा हमें भी सुनाया करते थे, तो फिर वो मेरी दोस्त ने बताया तो मुझे याद आ गया जो मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया। तो जिन जिन लोगों ने कॉमेंट किया, खैर ख़ास तौर पर मेरी ये दो वीडियो के लिए ना, तो उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है, अभी बात करते हैं हम अपनी चाची जी की। चाची जी ने आज बहुत खुश हैं, सूरत पहुंच गई, सूरत वाली फैमिली के साथ मिल गई हैं। पर मैं एक बात बोलूं, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूं कि जब सूरत वाली पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो चाची जी के घर पर आएगी, तो मैं वो वाली वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रही हूं कि वो दिन कब आएगा कि जब सूरत वाली फैमिली चाची जी के घर पर आएंगी। अभी तो फिलहाल चलो चाची जी वहाँ पर हमारी गई हुई हैं, और चाची जी ने एक बात और बोली कि मैं ये खाना वाना गरम कर रही हूँ और जो मेरी एक होने वाली है ना, होने वाली कौन जी, आप सभी समझ जाइए, होने वाली लाजमी सी बात है, हमारी नूडल गर्ल यानी कि अर्शी की बात हो रही। अरे यार पीछे जो है ना मीरब की आवाज़ आ रही है यार, प्लीज़ इग्नोर करना, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है ना, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करना। और वो होने वाली जो थी ना, तो वो हमारी अर्शिया, हमारी नहीं चाची जी की अर्शिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सबसे बड़ी बात कि शुक्र है अल्लाह का कि चाची जी को जो काफ़ी सारे लोग बोलते थे ना कि चाची जी अपने बेटे की शादी कर दो और क्या बोलते हैं पोता पोती नवासा नहीं, पोता पोती जो है वो गोद में खिलाओ, अब बच्चे खिलाने वाली उम्र आ गई है कि पोता पोती आपके इर्द गिर्द घूमें और उनको गोदों में उठाओ, उनको खिलाओ, तो अब वो वाला सीन जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। चाची जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो है माँ तो हैं ही, अब आप सास भी बनने वाली हैं बहुत जल्द, और चाची के चाहने वालों को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, चाची के ना चाहने वालों को भी मुबारक हो, है ना, तो सभी लोगों को मुबारक हो, क्योंकि एक अच्छी बात थी, मैंने कहा जी शेयर करते हैं, क्योंकि भाई हमारी चाची बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना, तो ये तो बनता है ना कि चाची की ऐसी बातें जो है वो शेयर की जाए। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारी एसएस आंटी जी की बहू आने वाली है, अर्शिया की बात कर रही हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूँ कि मैं अर्शी है, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उन लोग की शादी होने वाली है, अभी तो बात पक्की हो गई है ना, या होगी कुछ रसम वगैरह जो भी होती है ना, वो बहुत जल्द आप लोग को दिखेंगी। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि चाची अब क्या करने वाली हैं, क्या कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कुछ ऐसा वाला अंदेशा भी है कि बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेशन होने वाली है,
तो वो भी इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे हम अपनी वीडियो के जरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल रही है भाई मीरा भी आप सबको।